गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपको पता है कि हमारा जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों से बना हुआ है और ये मुख्तलिफ हिस्से बहुत ही अहम होते हैं और एक अच्छी सेहत के लिए हमें हमारे जिस्म का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बच्चों, आज मैं आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे बॉडी कहते हैं, यानी हमारा जिस्म। सबसे पहले ये है हेड, यानी सर। बच्चों, हमारे सर में बाल होते हैं। आप लोग बालों में कंघी करते हो ना बच्चों? ये है आई, यानी आँख। हमारी आँखों से हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। ईयर, यानी कान। कानों से हम मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं। नोज़, यानी नाक। हमारी नाक से हम अच्छी खुशबू और बुरी बदबू सूंघते हैं। लिप, यानी होंठ। हमारे होठों से हम बोलते हैं, बात करते हैं। टीथ, यानी दांत। हमारे दांतों से हम चीज़ों को काटते हैं। मुंह, यानी माउथ। मुंह से अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। हैंड, यानी हाथ। हम अपने हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। आम, यानी बाजू। बच्चों, मेहनत का काम करने के लिए हमारे बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। एल्बो, यानी कोहनी। कोहनी की मदद से हम अपने हाथों को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। चेस्ट, यानी सीना। बैली, यानी पेट। बच्चों, हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो सभी चीज़ें हमारे पेट में जाकर जमा होती है। लेग, यानी पैर। हमारे पैरों से हम चलते हैं। तो बच्चों, देखा आपने हमारे जिस्म का हर एक हिस्सा कितना अहम है। हमें हमारे जिस्म का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी जिस्म के हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की।